बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर दोबारा से वेलकम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप YouTube के ऊपर फेसलेस वीडियोस किस तरह बना सकते हो और किस तरह उनको मोनेटाइज कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम बना सकते हो। आपका मेरे चैनल पर दोबारा से मैं वेलकम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना टाइम दिया, वीडियो पर क्लिक किया, चैनल पर आए। लाइक करो या डिसलाइक करो, कुछ करना ज़रूर है। और दूसरी चीज़ है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि आपने किस तरह स्टेप ए से लेकर स्टेप जी तक अपने चैनल को कंटेंट ढूंढना है, उस कंटेंट को एडिट करना है, पोस्ट करना है और किस तरह आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। मैं आपको सारे आइडियाज़ दूंगा, जो मैं चीज़ों के बारे में बात करूंगा उनके नाम और लिंक्स भी आपको बताऊंगा। तो जिस तरह के हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने बहुत से यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जिनके बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, मिलियंस सब्सक्राइबर्स होते हैं। और मैंने इसी तरह ही एक चैनल की इंफॉर्मेशन खोली हुई है जहां हमें नज़र आता है कि उसकी अर्निंग एनीवेयर फ्रॉम 3,000 to 49,000 है एनुअल बेसिस पे। अब ये बहुत वाइड रेंज है, अगर हम इसको कंजर्वेटिव भी लेते हैं तो ये कुछ भी नहीं तो 5,000 to 10,000 ज़रूर बना रहा होगा। अब ये चैनल करता क्या है, ये फेसलेस वीडियोस बनाता है ट्रैवल के ऊपर। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, देखें, ट्रैवल टू चाइना, ट्रैवल टू टोक्यो, ट्रैवल टू यूक्रेन। ये बंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाता, क्लिप्स जोड़ता है, वॉइस ओवर करता है, उनको अपलोड कर देता है। देखें 29,000 दो महीने पहले टोक्यो की, 415,000 चाइना की, 2.3 मिलियन यूक्रेन की, इतने व्यूज़ हैं इसके पास। तो आज हम भी इसी तरह के कुछ करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप क्या क्या आइडियाज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चैनल बनाने के लिए। तो जनाब, सबसे पहले तो आपको जीमेल का अकाउंट चाहिए। नहीं है तो google.com पे जाओ, जीमेल सर्च करो, जीमेल का अकाउंट साइन अप करो। फिर आपका जीमेल का अकाउंट बन गया, फिर आपने जाना है youtube.com। अकाउंट नहीं है तो साइन अप पे ऊपर टॉप राइट पर क्लिक करो, उसका भी अकाउंट बन जाएगा। मैंने YouTube अकाउंट बनाने की वीडियोस अपने चैनल पर डाली हुई हैं, सर्च करो, आपको ज़रूर इजी होगा और वॉक थ्रू मिलेगा। मैंने ए टू जी सारा ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप कहेंगे, यार मैं शर्माता हूँ या शर्माती हूँ या आवाज़ पे मुझे अपनी कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है। भाई, आपकी गलतियों को कोई नोटिस नहीं करता सिवाय आपके अपने। आप समझते हैं आपकी शायद आवाज़ अच्छी ना हो, आप शायद अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी आवाज़ को भी पसंद करेंगे और आपकी अट्रैक्शन को भी पसंद करेंगे। तो आइए, आइडिया नंबर वन क्या है। मैंने खोल लिया अपने ब्राउज़र पे amazon.com का अकाउंट, ठीक है। मैंने साइन इन नहीं किया, जिसमें आप देख रहे हैं आपको इसका अकाउंट भी नहीं चाहिए फिलहाल। फिर मैं ऊपर सर्च करूँगा एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है। मैंने वो लिखा और सर्च किया तो ये मुझे लिस्ट मिल गई। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, पहला जो लिंक है सैमसंग के ऊपर, ये आपको मैं वीडियो आइडिया दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, इस सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। वो अब किस तरह करेंगे, एक सॉफ्टवेयर है फ्री का, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर, विंडोज़ के लिए भी है, मैक के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये फ्री का है, बहुत ईजी है यूज़ करना। ये आपको स्क्रीन भी रिकॉर्ड करने देता है अपनी और वॉइस भी रिकॉर्ड करने देता है। तो यानी कि जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये साथ साथ में आपकी स्क्रीन भी रिकॉर्डिंग हो रही है, वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। तो आपने क्या करना है, ये जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अब इसको आपने स्टार्ट कर लिया, आपने लिटरली जो मैं आपको जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपने बिल्कुल यही करना है। आप amazon.com खोलेंगे, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल, इधर हम एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सैमसंग का फ़ोन पर क्लिक कर दिया। अब आपने अपने यूज़र्स के लिए जो कंटेंट बनाना है, वो आपने लोगों को स्मार्टफोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है या टीवी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी, कुछ भी हो। आपने लिटरली अपनी उस फेसलेस वीडियो में लोगों को कहना है, जी हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S22 फ़ोन है, इसकी इतनी मेमोरी है, इतने के रेजोल्यूशन है, इतनी इसका कैमरा के मेगापिक्सल्स हैं, ये फलाने कलर्स में आता है, फलाने ये मॉडल्स हैं, फलानी ये इसकी मेमोरी साइज़ है,
फिर आप इसकी और इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल डाउन करके लोगों को बताएं, इसके बारे में एक्सप्लेन करें, फिर लोगों को बताएं ये ख़रीदना किस तरह है, आपकी लोकल जहां भी आप सिटी में हो, स्टेट में हो, लोगों को बताओ कि फलाने बाज़ार में जाके मिलेगा या ऑनलाइन स्टोर पे मिलेगा। आप क्या कर रहे हो अपने यूट्यूब के लिए, ये कॉन्टेंट इधर से क्रिएट कर रहे हो, लिटरली कॉपी पेस्ट है, ये इतना आसान है, मेहनत लग रही है लेकिन है आसान। आज आपने सैमसंग के S22 पे वीडियो बना ली, अगले दिन आप अपना गूगल ये अमेज़ॉन के पेज पे आओगे तो जो अगला फ़ोन है ब्लू सी मैक्स C5 मैक्स उस पे बना देना, फिर तीसरे दिन मोटो पे बना देना, चौथे दिन इस पे बना देना, ये TCL पे। कहने का मतलब है आपके पास हर रोज़ वीडियो बनाने के लिए आइडियाज़ मौजूद हैं। अब इसमें एक और भी मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, अगर आप अपने कंप्यूटर पर दबाओ Ctrl+F और आप इधर लिखो अफिलिएट, तो आपको ये बिकम एन अफिलिएट का लिंक एक मिलेगा अमेज़ॉन के थ्रू। इस पर आप जब क्लिक करोगे ना और आपने साइन अप फिर करना है, अब आप जब साइन अप कर लोगे तो क्या होगा कि आपने जो स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो बना रहे हो आज, मिसाल के तौर पे आज गैलेक्सी S22 पे है, इधर टॉप लेफ्ट पे जहां मेरा माउस है यहां आपको रेफरल लिंक मिलेगा। अब जब आपने इस फ़ोन की वीडियो बना ली, इसके बारे में लोगों को सब कुछ बता दिया, अपना ओपिनियन शेयर कर लिया, जब आप इसको YouTube पर डालोगे तो वो जो रेफरल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दो। अब अगर कोई इस फ़ोन को ख़रीदता है आपकी वीडियो से, आपको उसका भी कमीशन मिलेगा, और अगर नहीं भी ख़रीदता तो आपकी जो YouTube वीडियो के व्यूज़ हैं उसके थ्रू भी आपको YouTube पैसे देगा। एक तीर से दो शिकार। अब ज़रूरी नहीं कि आपने स्मार्टफोन्स पर ही वीडियो बनानी है, आप TV के ऊपर बना सकते हो। आप इधर सर्च करो TV और आप अपने चैनल को TV के लिए इस्तेमाल कर लो, आप अपने चैनल को किचन की जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उसके लिए इस्तेमाल कर लो, आप अपने चैनल को कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल कर लो, आप अपने चैनल को हाउस होल्ड आइटम्स के लिए इस्तेमाल कर लो, कुछ भी आप अमेज़ॉन से सर्च करके कोई भी निच, कोई भी कैटेगरी उस पर वीडियोज़ बना सकते हो। एक मैं रेकमेंड करूँगा चीज़ वो ये है कि ये ना करना, आज स्मार्टफोन की बनाई तो कल आपने जूसर ब्लेंडर की बना दी, फिर तीसरे दिन आपने गाड़ी की स्पेयर पार्ट्स की बना ली। नहीं, अगर स्मार्टफोन्स की है तो चैनल को इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रखो, अगर और ज़्यादा निच में जाना चाहते हो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है तो स्मार्टफोन्स की ही बनाओ। स्मार्टफोन्स ख़त्म हो गए, आपने इतनी वीडियोज़ बनाई, स्मार्टफोन्स ही ख़त्म हो गए, तो भाई जो पिछले 20 साल में मोबाइल फ़ोन से नोकिया के, सोनी एरिक्सन के, उन पे बनाना शुरू कर दो। तो ये निच है आपके लिए, ये था पहला आइडिया। अब दूसरा आइडिया आपके लिए क्या मैं लाया हूँ, वो है रिएक्शन वीडियोस। अब रिएक्शन वीडियोस आप किस चीज़ पे बना सकते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। आप क्या कर सकते हो, कॉमेडी इधर लिख दो, कॉमेडी वीडियोस इन हिंदी लिख दी, या इन उर्दू लिख दिया, या इन पंजाबी लिख दिया। ये देखो, ये आपके पास कॉमेडी वीडियोस आ गई। इधर से आपने वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको दिखाया, OBS, स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे और उस क्लिप को आप प्ले करोगे और फिर 5-10 सेकंड चलाया और फिर अपना रिएक्शन दे दिया, लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। लोग और भी बहुत करते हैं, सॉन्ग रिएक्शन वीडियोज़ बहुत करते हैं। ये देखो, ब्राउन मुंडे रिएक्शन पे अगर आप सर्च करें तो ये देखो कितने लोगों ने रिएक्शन वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर। ये वीडियो चलाते हैं, फिर 5-10 सेकंड सुना, फिर पॉज करके तो उस पर रिएक्शन दिया, साथ में थोड़ा थोड़ा डांस भी कर लिया। देखो ये गोरी क्या कर रही है, ये देखो ये हमारा भाई ये क्या कर रहा है। तो गानों पर रिएक्शन वीडियोज़ बना सकते हो, कॉमेडी स्किट्स के ऊपर, ये जो प्रैंक चैनल होते हैं, प्रैंक रिएक्शंस, प्रैंक वीडियोज़ हिंदी लिख दो, उर्दू लिख दो, जो भी है, ये देखो पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी है आपने सर्च करना है सर्च करो, ठीक है। प्रैंक वीडियोस के ऊपर अपने रिएक्शन बनाओ कि ये कितने स्टूपिड हैं, क्रेजी हैं, या कितने मजाइया हैं। तो ये है आपके लिए आइडिया नंबर 2। आपने इसमें भी बिल्कुल उसी तरह आइडिया 1 के साथ जैसा मैंने बताया था, उस OBS सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, अपनी आवाज़ इस्तेमाल करनी है। अब आप कहोगे मेरे पास वो माइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिक्र ना करो मेरे भाई, बस वीडियो बनाओ और इसको YouTube पर डालो हर रोज़। आपके पास इतना कंटेंट है कि आप हर रोज़ 2 वीडियोस भी बनाओगे तो कंटेंट ख़त्म नहीं होगा, आप थक जाओगे।
तो ये था आइडिया नंबर टू। अब तीसरा आइडिया मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगा, वो है आप न्यूज़ के बारे में अपना वीडियो बना दो। अब आपको यार न्यूज़ मुझे क्या समझ नहीं आएगी, मैं किस तरह करूँ, क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं। आप अपना कोई भी सर्च करो, आपने कोई भी सर्च किया और अपने रीजन का, अपने शहर का, अपने मुल्क का आपने खोल लिया न्यूज़ चैनल, ठीक है। अब आपको जो फ्रंट पेज है उस पर हमेशा आपको हेडलाइंस नज़र आएंगी जो ताज़ा तरीन है, लेटेस्ट अपडेट्स है, उनमें से किसी एक पे क्लिक करो और उसके ऊपर वीडियो बना डालो। सारी बात है, वेबसाइट है, वो लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, आपने लिटरली उसको पढ़ के उसकी वीडियो बना देनी है। अब आप कहोगे मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता, फेस नहीं दिखाना चाहता, यार आपको क्लिप्स जमा कर लो, तस्वीरें जमा कर लो। मेरे एग्जाम्पल में हमारे है कि ये पॉलिटिशियन को हाई कोर्ट ने कहा कि रिलीज़ कर दो, अब मैं उस पॉलिटिशियन की कुछ तस्वीरें जमा कर लूँगा, कुछ उस शहर की तस्वीरें जमा कर लूँगा जिस शहर में वो मसला हुआ है, और कोई कोर्ट की बिल्डिंग्स की तस्वीरें मैं इकट्ठे जोड़ के मेरा क्लिप बन जाएगा। लोगों को पॉलिटिक्स बहुत पसंद है। अब हाँ, इसमें ये ना करना कि आप मुख्तलिफ रिलीजन्स की आपस में लड़ाई की शुरू कर दो, मुख्तलिफ कल्चर्स की लड़ाई की शुरू कर दो। साफ कंटेंट रखना है, अच्छा कंटेंट रखना है जिससे प्यार बढ़े, दोस्ती बढ़े, मोहब्बत बढ़े। लड़ाई नहीं करवानी रिलीजन्स की, कल्चर्स की, फिरकावारियत की, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये था आपका हमारा आइडिया थर्ड, जिसमें लोग पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं, खबरों को पसंद करते हैं, उसके ऊपर आप वीडियो बना डालो। अच्छा, मज़े की बात है, खबरों के ऊपर भी, ये चौथा आपको मैं बता रहा हूँ, खबरों के ऊपर रिएक्शन वीडियोस बना डालो। एक वीडियो बनाई जिसमें आपने न्यूज़ पढ़ दी, जो भी लीगल, जो भी लेटेस्ट हुई, और फिर उसके फौरन बाद ही 5 मिनट की आपने एक रिएक्शन वीडियो बना डाली उसी न्यूज़ पे। उसको आपने कहा कि भाई ये तो बड़ी फूलिशनेस है, ये इस तरह होना नहीं चाहिए था, यूं हो गया। आपकी एक खबर से आधे घंटे के अंदर अंदर 2 वीडियोस बन गए जो आप चैनल पर डाल सकते हो। अच्छा, जो पांचवा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ वो है आप कोई फैक्ट्स शेयर कर लो, कोई लेटेस्ट अपडेट्स शेयर कर लो, साइंस फैक्ट्स, ठीक है। मैंने गूगल किया साइंस फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी, ठीक है, अबाउट ह्यूमन बॉडी हमने ये सर्च किया। अब आप इधर से कोई भी वेबसाइट खोलिए, देखो 15 फैक्ट्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी, आप साइंस फैक्ट्स के ऊपर चैनल बना सकते हो। दुनिया में कितने चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप साइंटिफिक चीज़ शेयर कर सकते हो, वॉलकैनोज के ऊपर, अर्थक्वेक के ऊपर, ये जो सुनामी आते हैं, ये जो टर्नेडो आते हैं हमारे जिस्म के ऊपर, आँखों के फैक्ट्स, जबान के फैक्ट्स, दिमाग के फैक्ट्स, अपने मसल्स के फैक्ट्स, हड्डियों के फैक्ट्स, यार मैं क्या कह के थक रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्स नहीं ख़त्म होंगे। इतनी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप अमेजिंग फैक्ट्स शेयर कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक और भी आइडिया है, आप शायरी के ऊपर आप एक चैनल बना सकते हो, ठीक है। अगर हम जाते हैं youtube.com के ऊपर, तो इधर आप लिखो, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ उर्दू पोइट्री, ठीक है। तो आप देखोगे लोगों ने किस तरह पोइट्री के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। अब ये देखो, इसके 1.9 मिलियन व्यूज़ हैं, और इसने किया क्या है, लिटरली इसने वॉइस ओवर किया और इसने क्लिप्स जोड़ दिए मुख्तलिफ किस्म के, और ऊपर वॉइस ओवर कर दिया, और इसकी बन गई पोइट्री। आप पोइट्री पे कर सकते हो, आप कर सकते हो मोटिवेशनल कोट्स पे कर सकते हो। तो ये आइडियाज़ हैं, और भी कुछ आपके जहन में आए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, जिस पे आप वीडियो बना सकते हो, चैनल को बना सकते हो, और चैनल को मोनेटाइजेशन की तरफ महीने के अंदर अंदर आप खींच सकते हो। हर रोज़ 2-3 वीडियोस खींच दो पकड़ के। क्यों 2-3? क्योंकि आपके पास कंटेंट तो मौजूद है, आपको रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं, बस सोचना है कि किस कैटेगोरी पे बनानी है, किस निच पे बनानी है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक डिसलाइक करो, दोबारा मेरे चैनल पे आके और वीडियोस को भी देखना। मिलते हैं अगली दफ़ा। अल्लाह हाफिज़।